Hey there, welcome to the series of Tamil Nadu Board History. This lesson is presented by me, Kanchan Pandey, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री. So, क्लास 12 में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि UNO. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फो है. अगर आप लोग UPPSC, MPPSC या BPSC जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्टडी मटेरियल हमारे पेड ग्रुप में मौजूद है. आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. हमारे चैनल में एक फ्री ग्रुप भी है, उसमें आपको स्टडी मटेरियल इन गिवन एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाएगा. आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए या इन वीडियोस का PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं. मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 33rd लेसन जो है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसे आज पढ़ने वाले हैं. एंड अगर आपको ये लेसन पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. लाइक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट मोटिवेट्स अस. एंड ऑल्सो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू नो द फाउंडेशन ऑफ द UNO का एम क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है, इसके अभी तक के अचीवमेंट्स क्या हैं, और ये क्या कोई नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस भी करता है, अगर हाँ तो कौन से. ठीक है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस को अभी सिर्फ रीड करेंगे और चैप्टर के एंड में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर के दौरान आप अटेंशन पे करें और जहाँ भी ये टर्म्स आए, जैसे यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन कब हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जुडिशियल ऑर्गन के बारे में मैं जहाँ भी बात करूँ तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद ही इनके आंसर्स को दे पाएँ. सो पहला सवाल है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ए जेनेवा, बी द हेग, सी न्यूयॉर्क या डी सैन फ्रांसिस्को. तो आपको ये आंसर करना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ था. दूसरा है द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़. तो यूनाइटेड नेशन के जुडिशियल ऑर्गन को क्या कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है. मैच द फॉलोइंग में कुछ आपको इवेंट्स दिए हैं, इनके डेट करेक्ट डेट से आपको इनको मैच करना है. पहला है यूनाइटेड नेशंस चार्टर, फिर है स्वेज क्राइसिस, फिर है साइप्रस इश्यू एंड देन इट इज़ गल्फ वॉर. ओके, तो ये 1956, 1960, 1990 और 1945 में से किससे रिलेटेड हैं, आपको करेक्टली इनको मैच करना है. नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. इन 4 स्टेटमेंट्स में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको वो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. पहला स्टेटमेंट है UNO इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी इस्टेब्लिश टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. तो क्या UNO पहला ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये तो आई थिंक आप अभी भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि इससे पहले लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. फिर सेकंड स्टेटमेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट रोम. तो क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है, आपको ये बताना है. सी है इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में कि इसमें 15 जजेस होते हैं. फिर है WHO के बारे में दैट WHO इज़ वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द UNO. सो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो आपको फाइंड करना है. फिर ट्रू और फॉल्स में पहला स्टेटमेंट है चार्टर ऑफ द UNO के बारे में कि UNO का जो चार्टर था It was signed by 51 countries at San Francisco in 1945. तो क्या ये चीज़ सही है? 51 कंट्रीज़ ने इस चार्टर में साइन किया था. सेकेंड है, बोथ द परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर. तो क्या ये चीज़ सही है? नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर दोनों को क्या वीटो पावर मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में? ये चीज़ आपको देखनी है. और जहाँ भी मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ताकि आप इन आंसर्स को आराम से दे पाएँ. सो हमने दोनों वॉर्स के बारे में पढ़ लिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और हमने दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे हैं. तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो रिज़ल्ट रहे हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार जो एटॉमिक वेपन है उसका यूज़ किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस जिसके देखने को मिले. तो आगे से ऐसी कोई वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए थे जो कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इन कॉन्सिक्वेंसेस से. तो वो चाहते थे कि आगे से कोई भी ऐसी जो घटना है, इस तरीके की वॉर्स दोबारा ना हो. तो इसके लिए USA, USSR, UK, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी क्वेरलिंग कंट्रीज़ को साथ में बैठा के नेगोशिएट करके वर्ल्ड पीस मेंटेन करना चाहती थी. और इसके लिए इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया था. हालांकि ये जो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी करना चाहा था, ठीक है, लेकिन अपने पहले एक्सपेरिमेंट में ये फेल हो चुके थे. लेकिन बाद में By the tireless effort of these countries, United Nation Organization जो है वो सेटअप हो गया था. तो UNO का फाउंडेशन कैसे हुआ था ये देखते हैं. सो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करी गई थी. देयर वॉज अ सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, जैसे अटलांटिक चार्टर की, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो 1944 में एट डम्बर्टन ओक्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें यूएनए के क्रिएशन को फाइनलाइज कर दिया गया था, ठीक है. और इसमें पूरे 51 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, दे साइंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एट सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945. तो 26 जून 1945 को यूएनए का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था. Delegates of 51 countries, after a long discussion, accepted the scheme and then published a UN charter. तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन जो है it came into the being. यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है. UNO के जो फंडामेंटल एम्स हैं वो क्या हैं देखो. पहला है टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये सबसे पहला इनका एम है. दूसरा है जितनी भी कंट्रीज़ है उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन और हार्मनी बनाए रखना. तीसरा है सारी कंट्रीज़ को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना एंड टू प्रोवाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू ऑल द कंट्रीज़. चौथा है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, ठीक है. जब भी कोई इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारी कंट्रीज़ मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करें. पांचवा एम है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम. और छठा है टू नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री. तो किसी भी कंट्री के अंदरूनी मामले में इंटरवेन करने का जो है चीज़ वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन इन इंटरवेनिंग इन द मैटर्स ऑफ डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री. सो ये एम थे यूएनओ के. अब यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं. तो यूएनओ की 6 मेन बॉडीज़ हैं. ठीक है। पहली है इट्स जनरल असेंबली, फिर एक है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठी है द सेक्रेटराइट। ओके, तो छः जो बॉडीज़ हैं वो मेन हैं यूएनओ की, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये एक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटराइट। अब इन सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बॉडीज़ के बारे में वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है जनरल असेंबली। सो इट इज़ अ डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी जो है इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ ईच मेंबर स्टेट। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच मेंबर स्टेट, बट ईच मेंबर स्टेट हैज़ ओनली 1 वोट, ठीक है। हर स्टेट से जितने भी मेंबर स्टेट हैं सब जगह से 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन स्टेट के पास होता एक ही वोट है। तो मेन फंक्शन जो है इस ऑर्गन का वो क्या है, टू कंसीडर इश्यूज़ रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़। तो जनरल असेंबली क्या करती है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के इश्यू पे काम करती है, ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करती है। यूएनओ हैज़ अ सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो, एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ का वो है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़ एंड अरेबिक। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ। और अब अकॉर्डिंग टू 2006 यूएन हैज़ 192 मेंबर कंट्रीज़। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएनओ की, ठीक है। इसमें कितने हैं मेंबर्स, लगभग 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्प्रेरी हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है, रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। दीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनए। और इनका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रिजर्व पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो इट कैन टेक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक स्टेप्स अगेंस्ट दोज नेशन जो कि वॉयलेट करते हैं यूएनए के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये दोनों जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्टेप्स हैं ऐसे देशों के खिलाफ ले सकते हैं। और हर परमानेंट मेंबर के पास एक जो वीटो पावर है वो होती है, ठीक है। दे हैव अ पावरफुल वोट नोन एज द वीटो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। सो ये काउंसिल में 18 मेंबर्स होते हैं। 27 मेंबर्स एट प्रेजेंट, अभी 27 मेंबर्स हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। अब इस काउंसिल के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करती है, जो हमने सबसे पहली बॉडी पढ़ी थी जनरल असेंबली, वो, ठीक है। It is directly responsible to the General Assembly. The fundamental principle of this body is to create a spirit of universal respect to human right and to promote higher cultural education standard. ठीक है, तो इसका मकसद है universal respect of human right की spirit को बढ़ाना और higher cultural education standard को promote करना। इसका फंक्शन है लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज़ करना और एम्प्लॉयमेंट को एश्योर करना, ठीक है। तो यूएनओ बिलीव्स दैट वर्ल्ड पीस कुड बी मेंटेन्ड ओनली व्हेन द पीपल एंजॉय अ हाई इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यूएनओ ऐसा बिलीव करती है कि दुनिया में पीस तभी हो सकता है जब सारे जो लोग हैं, सारे नागरिक हैं, उनके पास अच्छा इकोनॉमिकल स्टेटस हो और सोशल स्टैंडर्ड हो लिविंग का। द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल वर्क्स थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ सेवरल स्पेशल कमिटीज़ एंड कमीशन। तो सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल के लिए बहुत सारी जो कमिटीज़ और कमीशन हैं वो इनको असिस्ट करती हैं। अब ये कमिटीज़ और कमीशन क्या है, कौन कौन सी हैं? पहली है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को असिस्ट करती है। फिर है UNRRA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगली है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगली है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो कमीशंस और कमिटीज़ हैं ये इस काउंसिल को हेल्प करती हैं अपने फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए। सो दिस ऑर्गन हैज़ रेंडर्ड अनडाउटेबली ग्रेट सर्विस टू द मैनकाइंड सिंस 1945। और ये जो ऑर्गन है, ये जो बॉडी है यूएनओ की, इसने बहुत ही अच्छा काम भी किया है फ्रॉम 1945 ठीक है से अभी तक। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अगली काउंसिल क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। So this council is composed of representatives of permanent member of the Security Council, representatives of all those states which hold the administration of colonies, and some other representative elected by the General Assembly. तो इसमें कुछ तो member states वो हैं जो कि कुछ colonies रखते हैं अभी भी, तो ऐसे कुछ members हैं इसमें, और कुछ जो मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं इस ट्रस्टीशिप काउंसिल में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द टेरिटरीज हैंडेड ओवर टू इट, ठीक है, एंड टू हेल्प द जनरल असेंबली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज कंट्रीज। तो ऐसी कोई टेरिटरीज जो इस काउंसिल को दी गई है, तो उसका जितने भी इंटरेस्ट है उनको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी होती है इसकी, एंड जनरल असेंबली को एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने की जिम्मेदारी भी ट्रस्टीशिप काउंसिल की ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बॉडी है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो ये एक जुडिशियल ऑर्गन है यूएनओ का, और इसका हेडक्वार्टर है हेग में, ठीक है। जब लीग ऑफ नेशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया था उस वक्त भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में ही नीदरलैंड्स में बनाया गया था, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनको भी जनरल असेंबली से ही इलेक्ट किया जाता है, और इनका एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, और कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड होता है 9 साल का। इनका मेन फंक्शन होता है टू सॉल्व द लीगल डिस्प्यूट्स ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ के जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स, उनको सॉल्व करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट जो बॉडी है वो है द सेक्रेटरीएट। सो इट कंसिस्ट ऑफ द वर्किंग स्टाफ ऑफ द यूएनओ। द चीफ ऑफ द सेक्रेटरीएट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरीएट का चीफ को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है सेक्रेटरीएट बॉडी का? कि जितनी भी अदर बॉडीज़ हैं यूएनए की उनको असिस्ट करना, एज अ सेक्रेटरी ये काम करती है, okay. So this was about the organs of UNO. Now let us know about the achievements of UNO. अभी तक जितने भी achievements हुए हैं UNO के उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Now let us know about the achievements of UNO. From the very beginning जो United Nation Organization थे उन्होंने बहुत सारे जो conflicts थे इंटरनेशनल लेवल के उन सबको सॉल्व किया था। सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनओ की, इसने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट ये जो एफर्ट्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के they have been greatly hampered by the free use of the veto power। तो veto power हमने देखा था कि जो permanent members थे उनके पास veto power हुआ करती थी, तो इसकी वजह से security council के efforts में जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते थे। सो ड्यूरिंग द ईयर 1946 to 47 रशिया एक्सरसाइज द राइट ऑफ वीटो ऑन 22 ओकेज़न। तो सिर्फ एक ही साल में रशिया ने कम से कम 22 ऐसे केसेस में अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था। एंड बट इन स्पाइट ऑफ दिस सीरियस हैंडीकैप यूएनओ हैज़ अचीव्ड सक्सेस ऑफ सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अब इन सारे सक्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला है डीकोलोनाइजेशन। तो यूएनओ असिस्टेड द कोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका टू अटेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कोलोनियल मास्टर्स। तो सबसे पहले क्या किया, जो भी देश अभी तक कॉलोनी बने हुए थे जैसे कि एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, तो इनको यूएनओ ने हेल्प किया डीकोलोनाइज होने में। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट होने में, और इस पूरी प्रोसेस को कहा गया डीकोलोनाइजेशन। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द जो है ये पूरी हो चुकी थी। मेंटेनेंस ऑफ द पीस, तो इसके लिए ये वैसे भी यूएनओ का जो मेन फंक्शन वो है पीस ही मेंटेन करना। एंड यूएनओ अचीव्ड पीस इन द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। पहली है द प्रॉब्लम ऑफ ईरान। सो 1 जनवरी 1946 में ईरान प्रेजेंटेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रशिया बिफोर द यूएनओ। इसमें क्या था, जो द रूट कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट वॉज स्टेशनिंग ऑफ रशियन ट्रूप इन ईरान। तो रशियन ट्रूप का जो है वो ईरान में स्टेशन किया हुआ था। इसके रिगार्डिंग ईरान ने कंप्लेन करी थी यूएनओ में रशिया के खिलाफ। सो यूएनओ टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, एंड जो रशियन ट्रूप्स थे उनको ईरान से हटा लिया गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ। फिर है सीरिया और लेबनान के बीच का कन्फ्लिक्ट। सो सिमिलर कंप्लेन जो है सीरिया और लेबनान ने रखी थी यूएनओ के सामने। सो इन दोनों ही कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट किया था यूएनओ को कि यहाँ से जो फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप हैं उनको हटा दिया जाए। ठीक है, एंड सिक्योरिटी काउंसिल देयरफॉर मेड इट्स एफर्ट्स एंड एट लास्ट इट सक्सीडेड टू विदड्रॉ दीज फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम दीज स्टेट्स। ओके, नाउ इंडोनेशिया में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो नेशनलिस्ट थे इंडोनेशिया में रह रहे थे, दे इस्टेब्लिश द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। लेकिन जो डच लोग रह रहे थे जावा और सुमात्रा की कॉलोनीज़ में, उन्होंने नेशनलिस्ट के ख़िलाफ़ रिबेलियन कर दिया था। सो सिक्योरिटी काउंसिल इश्यूड अ सीज फायर ऑर्डर टू बोथ साइड एंड डच अग्रीड टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडोनेशिया। ठीक है, तो फिर इंडोनेशिया को पूरी जो इंडिपेंडेंस है वो मिल गई थी। पैलेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम था, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पैलेस्टाइन ग्रेट ब्रिटेन को दे दिया गया था एंड अंडर द मैंडेट सिस्टम। ठीक है, बट द स्ट्रगल अरोज बिटवीन द अरब्स एंड द ज्यूज विच क्रिएटेड डिस्टर्बेंस एंड टेंशन इन पैलेस्टाइन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ अपॉइंटेड अ स्पेशल कमेटी टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइन। अब कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि पैलेस्टाइन का जो पार्टीशन है वो हो जाना चाहिए। तो 3 पार्ट्स में पैलेस्टाइन का पार्टीशन हो गया था, एन अरब स्टेट, अ जूइश स्टेट एंड अ सिटी ऑफ जेरूसलेम। ठीक है, एंड दिस वाज टू बी गवर्न बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द यूएनए। तो इस तरीके की कंट्रीज़ को कौन गवर्न किया करता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये चीज़ हुई थी पैलेस्टाइन में, और उसके बाद an independent state of Israel was established for the Jews in 1948, और बाद में Jews के लिए इसराइल को एक independent state बना दिया गया था। The Arabs bitterly opposed the plan of partition of Palestine एंड उन्होंने ज्यूज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अरब्स को ये जो पैलेस्टीन का पार्टीशन का प्लान है बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद जो सिविल वॉर है वो हो गई थी। कहाँ? पैलेस्टाइन में, बिटवीन अरब एंड द न्यूली इस्टेब्लिश्ड इसराइल। तो जो अभी अभी नई नई इसराइल बनी थी उनके और अरब के बीच में ये सिविल वॉर हो गई थी। सो यूएनए ने इस वॉर को ख़त्म करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है वो लिए थे। नेक्स्ट है कश्मीर प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम अरोज बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान। सो बोथ जो कंट्रीज़ हैं वो एक राइवलरी के स्टेट में आ गई थी and this problem was brought to the notice of the UNA and it made the best effort to remove the hostility and differences between these two countries, ठीक है, and as a result of it its mediation जो वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो ख़त्म हो गई थी and ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली तो सॉल्व नहीं हो पाई थी but it still awaits a peaceful and permanent solution। नव कोरिया की क्या प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो पूरा कोरिया था वो जापान के कंट्रोल में था, ठीक है, एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया एंड अमेरिका जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कोरिया को डिवाइड करने का ऑन 38 पैरेलल लाइन। सो ऑन 24 जून 1950 नॉर्थ कोरिया की आर्मी जो है उन्होंने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। द मैटर वॉज अगेन ब्रॉट बिफोर द यूएनए। तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो थी यूएनओ की उसने कुछ मेजर स्टेप्स लिए अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया एंड यूएनओ सेंट इट्स आर्मी अंडर द कमांड ऑफ एन अमेरिकन जनरल डगलस मैकआर्थर। तो जनरल डगलस मैकआर्थर के कमांड की वजह से यूएनओ ने अपनी आर्मी वहाँ पे सेंड कर दी एंड उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी ऑन जुलाई 27, 1953 जिसके बाद जो मिलिट्री एक्शन है उसको ख़त्म कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। Other important problems, UNO tried to bring peaceful conclusion of many other problems जैसे Suez Crisis हुआ था 1956 का, साइप्रस इशू हुआ था 1960 का, कॉन्गो प्रॉब्लम हुई थी 1960 की, गल्फ वॉर हुई थी 1990 की। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी यूएनओ ने पीसफुली सॉल्व कर दिया था। So besides UNO was concerned about the arms control and the disarmament, particularly the nuclear disarmament and control of nuclear weapons, ठीक है। तो UNO जो है वो particularly किस चीज़ को लेके concerned है? nuclear weapons और nuclear disarmament को लेके, ठीक है, control of nuclear power को लेके। नाउ नॉन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो हैं यूएनओ की उसकी बात करते हैं। सो यूएनओ हैज़ अचीव्ड कंसीडरेबल सक्सेस इन नॉन पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो सच एज एंडिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम अपार्थाइड भी कहते हैं, और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। तो इसको भी यूएनओ ने ख़त्म करने के लिए मेजर स्टेप लिए थे और फाइनली इसे ख़त्म कर दिया था। It also worked in protecting human rights and providing financial assistance to many developing countries. तो financial assistance developing countries को कौन देता है? World Bank, IDA and IMF, ठीक है, ताकि जो developing countries हैं वो अच्छे से जल्दी जल्दी develop हो पाएँ। United Nations is an international organization एंड जिसका मकसद है टू फैसिलिटेट कॉपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। ओके, तो ये कॉपरेशन कहाँ कहाँ जाते हैं? जो कानून है इंटरनेशनल कानून उसके अंदर कोऑपरेशन चाहते हैं हो, एंड जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी है उसके लिए ये काम करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है और सामाजिक समानता के लिए काम करता है, ठीक है। इट वांट्स टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन इन ऑल दीज फील्ड्स। यूएनओ जो है वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को पाने में सक्सेसफुल रहा है इन स्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड सेटबैक्स. सो वी हैव लर्नड ऑल अबाउट द यूएनओ. हमने देखा यूएनओ के फाउंडेशन के बारे में, ठीक है, और उसके जितने भी 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके वर्क के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी. और बाद में फिर हमने जो अचीवमेंट्स हैं यूएनओ के उनके बारे में भी पढ़ा. एंड वी हैव ऑल्सो सीन द नॉन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ. सो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.